ये पाटलिपुत्र हिंदी साहित्य सम्मेलन 2018 में इसकी स्थापना की गई और साहित्यकारों और ख़ास करके नवोदित साहित्यकारों, कलाकारों, पत्रकारों, कवियों, लेखकों को मंच लोग देने में ऐसा ही हिचकिचाहट करते हैं। और हम लोग फ्रेंडली सर्वभाषा कवि सम्मेलन हो, विचार गोष्ठी हो या सेमिनार हो, ये हम लोग करते हैं। और साल में इसका दो कार्यक्रम, एक शुरुआती में और ये साल के लास्ट में, साल के लास्ट में हम लोग सर्वभाषा कवि सम्मेलन करते हैं जिसमें हर भाषा के कवि जो नवोदित हैं उन लोगों को मंच हम लोग प्रदान करते हैं। निश्चित तौर पर मैं एसएस कॉलेज जहानाबाद के प्राचार्य डॉक्टर एस के मिश्रा के रूप में इस ऑस्पिशियस ओकेजन पर मैं फिजिकली प्रेजेंट रहा। मैं अपनी ओर से और अपने लोकेलिटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद विश्व मोहन चौधरी सर साहब को देना चाहता हूँ इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज इन सो नाइस वे, जो कि निश्चित तौर पर एक सामाजिक क्षेत्र में और साहित्य, चाहे वो हिंदी हो, मैथिली हो, भोजपुरी हो, और जो भी लोकल रीजनल बेस डिस्पर्सन यहाँ पे हुआ है, वह समाज को बहुत आगे बढ़ाने में उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है। चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन ऐसे भी लोग हमारे समाज में हैं जो अभी भी साहित्य के प्रति बहुत रुचि रखते हैं, बट ये है कि हम लोग सही जगह पहुंच नहीं पाते हैं, हम लोग सही जगह सही लोगों तक पहुंच नहीं पाते हैं। लोगों की कमी नहीं है जिनका साहित्य में रुचि है, ज़रूरत है किसी को आगे आने की। अगर हम आगे बढ़ें तो लोग हमारे पीछे आएंगे और ज़रूर आएंगे। कई प्रयासों को मैं सराहना करता हूँ, जो इन्होंने किया और जो कर रहे हैं बहुत ही अच्छा है। मुझे समाज सेवा के लिए दिया इन्होंने, सूर्य प्रसाद फाउंडेशन का मैं सचिव हूँ, कोरोना में भी मैंने काम किया, सोशल सर्विसेज के लिए काम किया है, माइक्रो फाइनेंस एकदम आपका बहुत सारा काम किया है, जिन्होंने मुझे उसमें चुना।